डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन अनसीन पॉइंट, जो रिट सेकंड लेवल के इंग्लिश सब्जेक्ट की लैंग्वेज सेकंड का एक टॉपिक है, उसमें हमने अभी तक 5 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस। और अब इस वीडियो में हम लास्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करने वाले हैं, और वो है राइम। उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करवाए आपके, वो आपको समझ में आया होगा आई होप। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाए। और फिगर ऑफ स्पीच का आज लास्ट पार्ट राइम हम पढ़ने जा रहे हैं, और बिल्कुल आसान है। लेट्स स्टार्ट। राइम, हिंदी में इसको तुकबंदी, अंत्यानुप्रास या तुकांत अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये जो राइम है वो पोइम में ही देखा जाता है, वर्स में आता है, ना कि प्रोज में, पद्य भाग में इसको देखा जाता है। ये पद्य भाग में समझा जा सकता है राइम को, गद्य भाग में नहीं समझा जा सकता है। पोइम की जो लाइन होती है, तुकांत, तुक का अंत, तुकबंदी होना, यानी पोइम की जो लास्ट, पोइम की जो लाइनें हैं उसमें जो लास्ट वर्ड है, उस लास्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर है, अक्षर है, उनका तुकांत होना, लयबद्ध होना, तुकबंदी होना, उसी को राइम कहते हैं। क्या लिखा मैंने, रिपीटेशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स एट द एंड ऑफ लाइंस ऑफ पोएट्री। कविता की पंक्तियों के अंत में एक समान स्वरों और व्यंजनों की पुनरावृत्ति होना, यानी कोई भी पोइम की लाइन है, 4-5 लाइन है, उसके अंत में एक समान स्वरों और व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती है, उसी को तुकबंदी, अंत्यानुप्रास, राइम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो मैंने आपके लिए एक पोइम की 4 लाइन लिखी है समझाने के लिए। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन, इसका लास्ट वर्ड क्या है, कंप्लेन। और सेकेंड लाइन में आई सॉट हिम इन वैन। थर्ड लाइन, वर कॉल्ड ड्रीड देयर गॉल्ड। ये 4 यहाँ पर लाइन मैंने एक पोइम की आपके लिए लिखी है, समझाने के लिए लिखी है कि कैसे राइम स्कीम पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। और इनको बताने से पहले एक और नीचे लाइन लिखा हुआ है कि पैटर्न्स ऑफ राइम स्कीम्स, जो ये तुकबंदी की स्कीम होती हैं, योजना होती हैं, वो जो एक तरीका होता है, उसका जो पैटर्न है, आर इंडिकेटेड, उनको इंडिकेट किया जाता है, बताया जाता है बाय यूजिंग, उपयोग करके, किसका उपयोग करके, द अल्फाबेट लेटर्स, वर्णमाला के जो लेटर्स हैं, ए बी सी डी लगाकर। जैसे पहली लाइन के लास्ट में जैसा भी तुकबंदी राइमिंग हो रही है उसे हम ए से इंडिकेट करेंगे। जैसे यहाँ पर कंप्लेन, तो पहले वाली कैसा भी आओ तुकबंदी राइम, वहाँ पर हमें ए लगाना है, तो मैं यहाँ पर इससे अल्फाबेट लेटर से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ए। अंडरस्टैंड। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखें, वहाँ पर वैन, कंप्लेन वैन, प्रोनंसिएशन सेम है, तो यहाँ पर तुकबंदी हो रही है, राइमिंग हो रही है, तो ये इससे मिलता जुलता है, इसलिए बी नहीं लगाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर वापस ए ही आएगा, क्योंकि ये इसके समान प्रोनंसिएशन वाला वर्ड है लास्ट में,
कंप्लेन वेन अंडरस्टैंड नेक्स्ट कॉल्ड अब ये इनके समान नहीं है ये तो इसके समान नहीं है तो ए के बाद में क्या आएगा बी हम आगे नहीं जाएंगे सी पर पहले हम सी पर नहीं जाएंगे कंटिन्यूटी चलती रहेगी तो ये दोनों ए हुआ तो यहां पर अब लगाएंगे ये मिलते जुलते नहीं है डिफरेंट आ गया है तो यहां पर लगाएंगे बी चौथी लाइन में पीछे लिखा हुआ गोल्ड कॉल्ड गोल्ड तो ये देखो दोनों प्रोनंसिएशन तुकबंदी हो रही है समान स्वर व्यंजनों की तो यहां पर कंप्लेन वैन दोनों में ए लग गया कॉल्ड गोल्ड तो यहां पर दोनों ही एक समान है तो यहां पर बी लगेगा तो इन चार लाइनों की जो राइम स्कीम है यानी आपको क्वेश्चन पेपर में चार लाइन लिखकर वहां पर सवाल कैसे पुटअप कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है आपके आने लायक है जैसे मान लो यही चार लाइन है क्वेश्चन में और आपके वहां पर ए बी सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है और वहां पर राइम स्कीम लिख देंगे वहां पर ए बी सी डी ए सी सी ए बी ए बी इस तरह से ऑप्शन आएंगे वहां पर तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और समझने लायक है और इस प्रकार के आने का पूरा चांस होगा आपके पेपर में रिट के पेपर में ये लाइन लिखी हुई है वहां पर दो लाइन भी दे सकते हैं चार लाइन भी दे सकते हैं तो वहां पर वो राइम स्कीम हमें पहचाननी है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कंप्लेन वैन दोनों ए ए है कॉल्ड गोल्ड दोनों मिल रहे हैं बी बी है जरूरी नहीं है कि दो के पैर आएंगे जोड़े आएंगे नहीं ये चारों लाइन अलग अलग हो तो ए बी सी डी होगा कभी एक और उसके बाद में बी ए बी यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन एक समान हो सकती है और दूसरी और चौथी हो एक हो सकती है तो वहां पर हमें वो जो लास्ट में पंक्ति में कैसी पुनरावृत्ति हो रही है कैसे स्वर व्यंजनों का रिपीटेशन हो रहा है उसको देखकर हमें ये राइम स्कीम को इंडिकेट करना है इन अल्फाबेट लेटर से ए बी सी डी लगाकर ए भी आ सकता है पांच लाइन होगी या कोई अलग लेटर आएगा वहां पर कोई अलग साउंड आएगा व्यंजनों और स्वरों का तो वहां पर ई भी लग सकता है इनसे अलग हो तो यहां पर ए ए बी बी तो कौन सा ऑप्शन हुआ यहां पर राइट डी तो ए ए बी बी इसकी राइम स्कीम है अंडरस्टैंड राइम इज बेस्ड ऑन प्रोनंसिएशन ये जो तुकबंदी है वो उच्चारण पर आधारित है नॉट ऑन स्पेलिंग स्पेलिंग पर आधारित नहीं है जैसे तो वो नहीं है कि वैसी की वैसी कंप्लेन है तो कंप्लेन ही आना चाहिए नो इसके प्रोनंसिएशन पर है कंप्लेन वैन तो प्रोनंसिएशन उच्चारण सेम हो रहा है तो उसी पर ये आधारित है कॉल्ड गोल्ड तो स्पेलिंग मिलना जरूरी नहीं है प्रोनंसिएशन मिलना जरूरी है तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर तो हमने रिट के सेकेंड लैंग्वेज का जो टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन अनसीन पोएम है उसके छह फिगर ऑफ स्पीच हमारे वीडियोस में क्लियर कर लिए हैं अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के जो भी पार्ट होंगे अलग अलग टॉपिक्स होंगे उनको क्लियर करेंगे थैंक यू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो